हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड इट्स टाइप। फ्यूल इंजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन इन ऑटोमोटिव इंजन बाय एन इंजेक्टर। ऑल कंप्रेशन इग्निशन इंजन यूज फ्यूल इंजेक्शन एंड मेनी स्पार्क इग्निशन इंजन यूज फ्यूल इंजेक्शन ऑफ वन काइंड एंड अनदर। फ्यूल इंजेक्शन इज इन SI एंड CI इंजन इज डन मेनली इन टू वे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। नाउ वी डिस्कस दीज टू इंजेक्शन सिस्टम इन ब्रीफ। डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एज एयर इंटर इन कंबशन चैम्बर एंड गेट कंप्रेस फ्यूल पार्टिकल स्प्रेड डायरेक्टली इन कंबशन चैम्बर एंड कंबशन गेट स्टार्टेड। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम एंड यूनिट इंजेक्टर आर द टू एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इज ए फ्यूल इंजेक्शन वेयर फ्यूल इज नॉट डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द कंबशन चैम्बर। ए स्मॉल स्वेल चैम्बर और ए प्री चैम्बर इज इंस्टॉल इन सिलेंडर हेड अबो द मेन कंबशन चैम्बर। ग्लो प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल इन दिस स्वेल चैम्बर। चैम्बर क्रिएट्स स्वेलिंग एक्शन इन कंप्रेस एयर। This help in mixing of diesel with air uniformly. During the compression stroke, air from the engine cylinder first enter the pre-combustion chamber or swell chamber. As the air is compressed, its temperature rise and thus the air became hot. At this moment, an injector inject fuel into the pre-combustion chamber. The combustion began in pre-combustion chamber and then spread to the entire cylinder. Thus provide a better and efficient combustion. Some advantage of indirect fuel injection system are: first one is we can produce smaller size diesel engine suitable for cars, and second one is indirect fuel injection system can achieve higher engine speed than direct fuel injection system. Hope you understand the concept of direct and indirect fuel injection system. If you think video is knowledgeable for you, then like, share and comment on video. Click on subscribe button and subscribe to my YouTube channel, and also press the bell icon for latest video information. Thanks for watching video.